रांची पुलिस के द्वारा अपराध की योजना बताते हुए चार अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर एक घर से गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी का खुलासा रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी गई। रांची सीनियर एसपी ने बताया कि रांची पुलिस के द्वारा सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की गई और वहां से सरगना मोहम्मद सजाद सहित तीन अन्य अपराधी मोहम्मद रियासत, मोहम्मद चांद एवं बाबर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से तीन का आपराधिक इतिहास रहा है। सीटीएसपी के ओवरऑल सुपरविजन में एंटी क्राइम एक्टिविटी लगातार हम लोग जो चुनाव के दौरान चला रहे हैं, तो डीएसपी कोतवाली को एक इनपुट मिला प्रकाश को, और वो इनपुट था कि एक बड़ा ही खतरनाक गैंग है जो क्राइम करने वाला है। उस सूचना पर जो है सूचना को फर्दर प्रोसेस करके अरेस्ट किया गया। अरेस्टेड जो क्रिमिनल्स थे उसमें एक दो क्रिमिनल भाग भी गए, बाकी जो है चार लोग अरेस्ट हुए हैं। ये चार में से तीन जो है बड़े ही ड्रेडेड क्रिमिनल हैं। इनमें से एक जो है वह लाइफ टर्म आजीवन कारावास भोग रहा है और बेल पे है। वो 2015 में एक डबल मर्डर हुआ था और बाद में एक सोनू मिरोज की हत्या हुई थी, तो उस गैंग का अपोजिट गैंग था ये। और इस बार फिर से ये जो है मेन रोड में किसी क्राइम की प्लानिंग कर रहा था। तो चार अरेस्ट हुए हैं और जो फरार हैं वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। इस चार में से तीन का जो है वो आपराधिक इतिहास है, रंगदारी, जमीन कब्जा, हर तरह का अपराध इन लोगों ने किया है, मर्डर सब किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि है क्योंकि इस क्राइम को हम लोगों ने प्रिवेंट किया और जो एक बड़ा गैंग है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है।